लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो अपडेट है, जो कोर्ट केस संबंधित जो किए हैं, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, पूरक परिणाम जारी हो इसको लेकर जो काफी घमासान मचा है। साथियों, सबको पता है कि प्रथम फेज की बहाली में अभी तक मात्र 92,000 लोगों की ही नियुक्ति हुई है, जिसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। तो सारे मामलों पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक सवाल है कि क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग पूरक परिणाम जारी करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अब जैसा कि परसों एक नोटिस आया था कि बीपीएससी TRE 2 के जो सेकेंड फेज की बहाली हुई और उसमें से भी 14,763 इन लोगों के पूरक परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है सरकार, और बीपीएससी ने इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया है। तो जो शिक्षा विभाग के तरफ से जो सूची भेजी गई बीपीएससी को, तो सारे मामले पर अपडेट यही है कि बीपीएससी ने मुझे जो जानकारी मिल रही है कि 20 तारीख के पहले यानी 20 जनवरी के पहले पूरक परिणाम जारी कर देंगे। परंतु आपको ध्यान होगा इसके पहले कि प्रथम पेज की बहाली को लेकर जब पूरक परिणाम जारी कराने के लिए कि जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, चाहे वो शिक्षा विभाग से हो चाहे बीपीएससी से हो, हम लोगों ने गर्दनी बाग में 4 दिन धरना स्थल पर बैठे, भूख हड़ताल हमारे साथियों द्वारा किया गया, तो काफ़ी चीज़ें हुई जिसको लेकर मात्र 4700 के एवेज में मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट दिया गया। तो सेकेंड फेज की बहाली को लेकर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने आपके साथ जो छल प्रथम पेज की बहाली में किया और सेकेंड फेज की बहाली में वही काम वो दोहराना चाहते हैं। 14,700 लोगों की सूची शिक्षा विभाग से भेजी गई है, तो पूरे पदों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। जैसा कि सबको पता है कि फिर दोबारा सेकेंड फेज की बहाली में भी 1,20,000 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाने की बात की गई थी, और अभी तक जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई है। और अभी काफ़ी चीज़ें नालंदा से सूची आई है कि 150 से ज़्यादा शिक्षकों ने अभी सेकेंड फेज की बहाली पर वो योगदान देने के बाद भागे हुए हैं। कई लोगों के पास फर्जी प्रमाण पत्र हैं, उनकी सूची मिली है। तो अब दरभंगा से सूची आई है, अभी जो थंब इम्प्रेशन चल रहा है प्रथम पेज की बहाली में जिन शिक्षकों ने योगदान दे दिया है उनको लेकर जो फर्जीवाड़े तरीके से जो क्लियर जो सामने आए मामले, तो जांच चल रही है। और जांच पर यह पाया गया है कि कई जिलों से, मुझे लगता है कि कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक नियुक्त नहीं हुए। तो यही तो कहने की बात है कि फर्जी वाले जो है वो नियुक्त हो गए और मेरिट वाले जो हैं वो दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की लापरवाही का नतीजा है। मुझे लगता है कि पूरे देश में यह पहला कमीशन है जिन्होंने बिना डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के रिजल्ट निकाल दिया। सीटेट फेल, एसटीईटी फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र, खासकर कंप्यूटर साइंस के उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने न एसटीईटी पास किया और एसटीईटी के पास के बाद उनकी डिग्री बीसी, एमसी और एमटेक, बीटेक आदि की डिग्री रही है। तो अब क्लियर जो मामला है कि पूरक परिणाम जारी होने के लिए, तो जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं, 10 तारीख के पहले हम कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट, अगर आप पिटिशनर बनना चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट मेरे नंबर पर भेजें। कम्युनिटी पोस्ट में भी मेरा नंबर डाल दिया गया है, उसको आप देख लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रथम पेज की बहाली में जो पद खाली हैं, अभी तक 23,000 से 24,000 पद खाली हैं। और एक न्यूज़पेपर के हवाले से ये खबरें भी प्रकाशित हुई कि जो पूरक परिणाम जारी अब नहीं होंगे सेकेंड फेज की बहाली के बाद तीसरे फेज की बहाली, यानी प्रथम फेज की बाकी बची सीटों को जोड़कर तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके भी परीक्षा अगस्त महीने में तय हो गई है। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि काफ़ी जो चीज़ें लगातार सेकेंड फेज से थर्ड फेज से आगे बढ़ेंगी। तो अब इस मामले को लेकर पूरी गंभीरता के साथ हम लोग कोर्ट केस की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी जो सुन रहे हैं, जल्द से जल्द अगर जिन्हें को पिटिशनर बनना है तो अपना डॉक्यूमेंट मेरे नंबर पर भेजें, और आगे की बैठक जो होगी वो जल्द से जल्द हम तय करेंगे। उस दिन जो भी होगी कोर्ट समझ चीज़ें उसको लेकर अंतिम रूप से उसको फाइनल करेंगे। तो साथ ही अब जो चीज़ें हैं कि क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा किया उसकी सूची हम लोगों के पास या शिक्षा विभाग भेज रही है, किसी का फ़ोटो मिलान नहीं हो रहा है, किसी का अंगूठा मिलान नहीं हो रहा है, आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है, तो ये तो बात सिद्ध हो गया ना कि परीक्षा में बैठा कोई और, नौकरी कोई और कर रहा है। और जब विभाग और आयोग कार्रवाई कर रही है तो भागे भागे फिर रहे हैं। पटना से 150 से ज़्यादा शिक्षक जो है वो गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं, पता ही नहीं है कि कहाँ चले गए। तो अब जो बातें हैं कि फर्जीवाड़ा जो हुआ इसके सीधे सीधे अगर कहा जाए तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों दोषी है।
इनके पीछे काफ़ी जो मंशा है कि आपने सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई लोगों को आपने ज्वाइनिंग करा दिया, तो ज्वाइनिंग कराने के पीछे जो जो वजह रही है वो है कि आपने फिर उनको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद जो है नए लोगों को आपने मौका नहीं दिया, वेटिंग लिस्ट के प्रावधान आप बता रहे हैं। तो पूरक परिणाम के लिए जो भी आपने कहा था कि मल्टीपल रिजल्ट वाले को हम पूरक परिणाम देंगे, जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया है, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होंगे या जो फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त होंगे उनको बाहर किया जाएगा, तो 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले से जो बीपीएससी चेयरमैन सर बोल रहे थे, अब कोई शिक्षक अभ्यर्थी अब आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए सेकेंड फेज की बहाली पर जो भी ट्वीट किया गया है 14,700, तो आप थोड़ा गौर करेंगे, क्योंकि प्रथम फेज की बहाली में जो छल छलावा किया गया शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, कहीं वही हाल दोबारा न हो जाए, इसलिए हम लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं कि सेकेंड फेज की बहाली में कोई गड़बड़ी नहीं। अगर आपके मन में अगर शिक्षा विभाग से जो डाटा गया है 14,700, तो सभी पदों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए, और प्रथम फेज की बहाली पर पूरी सीटें भरे इसके लिए कोर्ट केस की तैयारी भी चल रही है, और अंतिम रूप से 2-3 दिन में हम लोग फाइनल कर देंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो भी चीज़ अगली जो बैठक बुलाई गई वो बैठक अंतिम होगी, उसी बैठक के माध्यम से आगे की चीज़ों को हम लोग प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे, ठीक है साथियों। लेकिन बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, इसके लिए आप लोग की तरफ से जो भी डाटा आता है, जिलों में आप हैं, जो भी डाटा आता है उसकी सूची मेरे पास भेज दें, और प्रथम पेज के बहाली पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो केस के संबंध में आगे लाभ होगा, अगर कोई भी पेपर कटिंग या नोटिफिकेशन या कोई ऐसा डाटा, तो जरूर मेरे नंबर पर भेजें, ताकि कोर्ट से संबंध में जो चाहिए है लाभ के स्थिति में हम लोग होंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।